सो फाइनली गाइस, हम लोग लोकेशन पहुंच चुके हैं। एंड लोकेशन कुछ ऐसा है, पूरा का पूरा मशीन वसीन है इधर, गाड़ी वाड़ी है, जेसीपी वेसीपी जो भी है। तो गाइस, फिलहाल भैया लोग फ्यूलिंग करवा रहे हैं एंड हम लोग फिर तुरंत से निकलने वाले हैं नगर के लिए। सो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं नौरतनगढ़। वेलकम टू आवर व्लॉग्स। फिलहाल आज है हम घर के बाहर एंड प्लान कुछ बन रहा है कि हम लोग टहल के आते हैं। एंड एक लोकेशन मिला है, मतलब मिला नहीं है, मतलब देखे हैं पहले ही कि एक अच्छा सा क्रेशर टाइप से सीन है, वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने जा रहे हैं हम लोग। एंड अभी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि हम कभी ट्रैवल नहीं कर रहे, तो उसके लिए खेद है। बट मन तो है बहुत ज़्यादा वाला ट्रैवल करने का, बट अभी पब्लिक नहीं मिल रहा क्योंकि ये भी बिज़ी है और ये वाले भैया भी बिज़ी है, तो हम अभी कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल वही सीन है। बट कुछ तो प्लान होगा, अगर गुमला के आसपास कोई लोकेशन है एंड आपको वो पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वो जगह है यहाँ पे बोल के, एंड हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम वहाँ ज़रूर से ज़रूर जाए। एंड फिलहाल चलते हैं एंड जो लोकेशन देखे हैं आज हम लोग वहीं पे फ़ोटो वोटो शूट करते हैं एंड निकलते हैं। भैया जी फाइनली गाइस, हम लोग लोकेशन पहुंच चुके हैं। एंड लोकेशन कुछ ऐसा है, पूरा का पूरा मशीन वसीन है इधर, गाड़ी वाड़ी है, जेसीपी वेसीपी जो भी है। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा फ़ोटो आएगा, मतलब आने वाला है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अपना भाई लोग को लेकर आए हैं। एंड देखते हैं कितना देर रुकने वाले हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे अच्छा खासा फ़ोटो शूट होगा, तो फ़ोटो सबको हम लोग डालेंगे इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम का लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए और फॉलो कीजिए हमें। एंड आप अगर ये लोकेशन पसंद आएगा तो फिर आइए और फ़ोटो वोटो खिंचाइए आप भी यहाँ पे, काफ़ी अच्छा जगह है। एंड उधर पहाड़ है, सारू पहाड़ बोलते हैं ना उधर का पहाड़ को, तो सारू पहाड़ है उधर। एंड भाई साहब, आपको सिनेमैटिक दिखा रहे हैं थोड़ा देर। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोग उधर का सीन कंप्लीट कर लिए एंड काफ़ी अच्छा अच्छा रील बनेगा भाई साहब, और पोस्ट होगा इंस्टाग्राम में, तो जाइए और फॉलो कीजिए इनके जर्नी को। और आई एम रितुल ना, और उधर आई एम उज्ज्वल, बुलाए नहीं है, सबको वहीं रख रहा है ना, इसीलिए भाई साहब। एंड सीन उधर काफ़ी अच्छा है, तो भैया का और एक रील बनाते हैं एंड फिर निकलेंगे। भैया हैंडसम है, बहुत फैन फॉलोइंग है जेवियर पब्लिक। फिलहाल रील बनाते हैं। सो फिलहाल गाइस, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से एंड काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी अच्छा जगह घूमने के लिए, काफ़ी शांत है। एंड ये जगह है सीलम के पास, तो रोड किनारे में ही है सीलम के पास, सीलम ढलान है ना, वहीं के पास है। एंड काफ़ी शांत जगह है। एंड इधर सनसेट हो गया अभी फ़िलहाल एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, शांत सा जगह है, पहाड़ है उधर एंड मज़ा आ रहा है। गाइस आप भी आइए कभी यहाँ पे घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा जगह है। वैसे तो फ़ोटो वोटो भी काफ़ी अच्छा अच्छा आया है, तो वो तो इंस्टाग्राम में आप चेक कीजिएगा क्योंकि हम लोग पोस्ट करने वाले हैं वहीं पे। एंड हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से एंड पूरा जगह आपको दिखाए नहीं वैसे तो, बट ठीक है, हम लोग को लेट हो जाएगा थोड़ा, इसीलिए अभी जाने वाले हम लोग यहाँ से, रात हम अंधकार भी हो जाएगा थोड़ी देर में, तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। एंड फिलहाल पता नहीं पार्क के पास रुकने वाले हैं एंड वहाँ पे कुछ करेंगे, खाएंगे, मेन चीज़ तो वही है खाना, फिर वहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं गाइस आगे रास्ता में। गाइस वेलकम टू आवर व्लॉग्स। एंड आज है हम राणा नगर के पास एंड भैया लोग इधर सब पे एंड भयंकर वाला प्लान हो रहा है, अभी प्लान हो रहा नहीं, हो चुका है,
हम लोग जा रहे हैं नगर घूमने के लिए, जो कि है अराउंड डिस्टेंस पता नहीं, सिसई है 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर, उससे 5-6 किलोमीटर है और राइट साइड में, तो हम लोग उधर ही जाने वाले हैं। एंड बहुत दिन पहले गए थे मम्मी लोग के साथ, उस टाइम बस नगर गए थे एंड उसके बाद हम अभी तक गए नहीं नगर। एंड वहाँ पर बहुत सारा चीज़ सब हुआ है, मतलब एक्सर्वेशन सब हो रहा था कुछ कुछ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे कुछ कुछ काम, तो देखते हैं क्या क्या काम हुआ है वहाँ पे एंड दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है वो चीज़ को। एंड भैया लोग सब इधर सबसे मिलाते हैं पहले तो कि कौन कौन है। गाइस ये अजय है, रोशन है, अब तुम कह रहे चेहरा छिपा रहे हो, देख दो तो कुछ गलत काम किया है भाई, और रितुल है एंड उज्ज्वल आगे गया है और आकाश भैया आ रहे हैं जो कि हमेशा लेट करते हैं। सही बात, गंदा वाला कुड़िया हर समय कुड़ियागिरी करता है, समझ रहे हैं ना गाइस। 6 बजे कॉल करके उठाया गया था, फिर भी बहुत गंदा सीन है उसका। तो हम लोग अभी निकलने वाले हैं नगर के लिए, तो भैया भी आ गए हैं, दिखाते हैं। उछोड़ो गाइस, भैया लैम्बोर्गिनी का सपना देख रहे थे यार हम, उठा के हमको। तो गाइस फिलहाल भैया लोग फ्यूलिंग करवा रहे हैं एंड हम लोग फिर तुरंत से निकलने वाले हैं नगर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। 7 बजे का प्लान था, 7:30 बज गया है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा लेट। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी से एंड भैया लोग हैं काफ़ी मस्ती करने वाले हैं आज हम लोग, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद हम लोग सबको मिल रहे हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल में, वीडियो में एक्चुअली। तो ठीक है चलते हैं। तो तभी नहीं मिलाए थे भैया लोग से, उज्ज्वल भैया, ऋषभ भैया, क्या हाल चाल? दो आ गया ना सबका? तो ठीक है गाइस, भैया बहुत ही ट्रैवलर इंसान है, बस हमें छोड़ के चल जाते हैं कहाँ, हावड़ा उड़ा चलेंगे केरला एक बार, क्या बोलते हैं? चलो तुम्ही से उम्मीद है भाई, तुम्हें ले सकता हम लोग को। तो गाइस फिलहाल लोग सिसई पहुंच गए एंड सबसे पैसा कंट्री कर रहा था भाई साहब, बहुत गरीब लोग हैं हम लोग एंड निकले हैं घूमने के लिए, पर पैसा सब किसी के पास नहीं था, 50-50 कंट्री किए हैं। पैसा वही है तो हम लोग कंट्री कर लिए एंड बस कुछ लेने वाले हैं खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जाके बहुत भूख लगने वाला है एंड हम तो नाश्ता भी नहीं किए गाइस। तो फिलहाल निकलते हैं कुछ लेते हैं पहले, तो उसके बाद यहाँ से सिसई से निकलेंगे सीधे राइट साइड में, गुमला से राइट साइड में आपको दिखा देते हैं डायरेक्शन वाला सीन। गाइस वो दिख रहा है ना वो बोर्ड, अरे यार ब्लर हो गया, वो बोर्ड दिख रहा है ना गाइस, वही वाला बोर्ड में देख के आप जाइएगा नगर। गाइस हम लोग ले लिए समोसा और धुसका, भाई साहब बहुत गरीबी स्थिति चल रहा है हम लोग का, सिर्फ बता रहे हैं एंड हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं बस कुछ ही देर में, क्योंकि थोड़ी देर में धूप हो जाएगा फिर पहाड़ चढ़ना मुश्किल हो जाएगा भाई नगर का हम लोग का। तो हम लोग निकलते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ से। एक उड़ी अंजो में से हपे न से कथा जो में दुलड़े कथा ले या में ते हम लोग पहुंच चुके हैं नवरत्नगढ़ एंड काफी अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद आए हैं, इतना जोश के साथ बोले ना तो सबको इंट्रो करने आ गया। चलो बोलो अभी बोलो। हाँ ये जो ब्लॉगर है गुमला से आया है यहाँ आगने के लिए, अरे वैसे क्या बोलता है, डाल देंगे इसको पकड़ो यार, तुम लोग फिर बेकार का नौटंकी करते हो, अभी इतना दूर आए हैं। और तो गाइस फिलहाल हम लोग अंदर घुस चुके हैं नवरत्नगढ़ के एंड थोड़ा सा हम लोग को डायरेक्शन दिया गया है कि पहाड़ नहीं चढ़ना है, जो कि हम सोचे थे चढ़ने का, एंड कचरा नहीं फैलाना है, वो तो हम जानते हैं कि कचरा नहीं फैलाना है एंड कुछ नहीं बोले ना, नहीं बस बोले थे। और बोलो मौसम सुहाना, हाँ मौसम सुहाना वाना है, मज़े लो और ऐश करो भाई साहब,
लेकिन काफ़ी अच्छा लगा देख के कि जो भी चीज़ टूटा हुआ था यहाँ पे सबको रिस्टोर किया जा रहा है। एंड बाकी बात आपको सिनेमैटिक में दिख ही जाएगा। एंड आपको दिखाते हैं हमारा नवरत्नगढ़। हाँ बोलो तुम। हम बोल रहे थे ना जो भूल भुलैया मूवी था ना, उसको शूटिंग यही हुआ था। गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि ये सब चीज़ पहले बिल्कुल नहीं था जब हम लास्ट टाइम आए थे। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के सब। तो गाइस ये वाला पहले नहीं था, मतलब अभी इसको खोद के निकाला गया है ये वाला चीज़ को, ये वाला एरिया को। एंड उधर भी रिस्टोर किया जा रहा है। तो गाइस जो नीचे से निकाला गया है वो जिसको दिखा रहे थे तभी, वो चीज़ यही है। इतना सारा चीज़ को बाहर निकाला गया जो कि धस गया था नीचे साइड। एंड उसके बाद ये रिज़ल्ट आया वो चीज़। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि हमारे नवरत्नगढ़ को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। एकुड़ी अंजोम में से हपे ना से कता अंजोम में दुलड़ कतने याम में ते ए दुलड़ अंजोम तोराई में। तो गाइस यही वाला है बिल्डिंग जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो चढ़े थे ऊपर में, बट अभी वो फैसिलिटी है ही नहीं कि हम लोग ऊपर जा सके, क्योंकि ऊपर जाने से थोड़ा रिस्की हो सकता है भाई साहब। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आए थे उस टाइम हम लोग पूरा ऊपर तक गए थे, बहुत ही मज़ा आया था, ऊपर से काफ़ी अच्छा दिखता है। तो गाइस काफ़ी भूख लग रहा है एंड काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं किए, तो हम लोग सोचे कि हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, जो कि लाए थे समोसा और उसका। एंड भैया लोग इधर सबके निकाल रहे थे समोसा एंड उसका, एंड हम लोग जल्दी से खा लेते हैं उसके बाद और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। दारू नहीं है गाइस, मेरे पास फोटो दवाई है, मेरे पास फोटो दिख रहा है और नहीं है। स्क्रीन बस बोला कोई बात नहीं गाइस, हम लोग पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। स्टार्ट नहीं है, यू से यू ऑनेस्ट से समथिंग। नो नो नो, चीयर्स फॉर लाइफ। हो गया साला बाप, दारू बहुत ज्यादा पी लिया, नफा हो गया तुमको। लो लो लो, हाँ गाड़ी में घुस जाते हो मुझसे। नहीं डाला, इसने बोला था, इसने बोला नहीं डालेगा, फैमिली ब्लॉग बनाता है। ये अनोखा मोहल्ला का गोस्ट राइडर है, गोस्ट जैसा तो दिखता नहीं राइडर। हाँ कुछ बोल रहे थे सर आप? अरे बोल दीजिए, बोला है ना एक पीछे तभी से बोल रहे, तभी से बुलवा रहा हूँ, नहीं कि नहीं किया है। फोन किया कैमरा? नहीं दोस्त, हम लोग कहाँ कैमरा चला रहे हैं, लोग के बोलो रसन, हम लोग वही ना उनके उनका बटन नहीं चिटी रे, भाग रहा। तो फाइनली गाइस यहाँ का शूट तो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा देख के ये जगह को भाई साहब, सोच नहीं थे कि इतना अच्छा रिस्टोर किया जाएगा। एंड काफ़ी दिन लग गया ये चीज़ होने में, बट ठीक है, टाइम से हो तो जा रहा है। एंड इससे क्या होगा ना कि हमारे गुमला में थोड़ा सा टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ेगा, एंड थोड़ा सा गुमला में भी टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ेगा तो लोकल लोगों को भी फ़ायदा होगा, जिससे वो लोग को भी सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। हाँ वो तो है। भैया बोल रहे थे कि वहाँ पे अभी भी फ़िलहाल काम चल रहा है, एंड काम ख़त्म होगा उसके बाद फिर से हम लोग एक बार आएंगे ताकि देख सके कि रिज़ल्ट क्या हुआ है। मतलब काफ़ी अच्छा तरीके से काम तो हो रहा है, बट ठीक है वो तो रिज़ल्ट ही बताएगा कि काम कैसे हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा था। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। हाँ भाई कमेंट करो भाई कमेंट। ए दूलड़ अंजुम तोराई में।